देखिए, बांग्लादेश मित्र राष्ट्र है और उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन चिंता का विषय है कि वहाँ मंदिरों पर हमला किया जा रहा है और हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है। ये चिंता का विषय है, लेकिन आज सर्वदलीय बैठक है दिल्ली में, देखिए आगे क्या होता है। शेख हसीना के बेटे ने कहा है कि वो राजनीतिक कमबैक नहीं करेगी, दूसरी तरफ आर्मी ने वहाँ टेक ओवर कर लिया है, घरों को जलाया जा रहा है। देखिए, वो उनका आंतरिक मामला है और मित्र देश है, इसमें ज्यादा हम इससे कुछ नहीं कर सकते। लगता है कि हिंदू वहाँ खतरे में है? हाँ, निश्चित रूप से हिंदू खतरे में है। मंदिरों पर, चार मंदिरों पर हमला हुआ है और कई हिंदू के घरों को तोड़फोड़ आगजनी की गई है। ये चिंता का विषय है, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, आज सर्वदलीय बैठक हो रहा है, निश्चित रूप से हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता की जाएगी। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में मूव करेगी, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था जमानत। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाए या कहीं जाए, जो कीजिएगा वो भोगना पड़ेगा। भ्रष्टाचार किए हैं, जेल जाना पड़ेगा, लूटे हैं, लौटाना पड़ेगा। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये नियम है, केजरीवाल जी गलत किए हैं, उनको भोगना पड़ेगा। सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर नई बिल लाने वाली है, लेकिन अब देखा जा रहा है कई जो नेता है इंडिया अलायंस के, वो उसका विरोध कर रहे हैं। कई मुस्लिम लीडर भी वैसी ऐसे नेता कह रहे हैं, ऑटोनॉमी, अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं। देखिए, वोट पॉलिटिक्स के कारण विरोध हो रहा है। वक्फ बोर्ड में 95 में भी संशोधन हुआ है और 2013 में भी संशोधन हुआ है। उस संशोधन में वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर उंगली रख देगा, बिना कोई लॉजिक का, बिना कोई सबूत का, वो जमीन वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। इससे केवल हिंदू ही परेशान नहीं है, बहुत सारे मुस्लिम भी परेशान हैं और वो अराजकता का स्थिति पैदा किए हुए वक्फ बोर्ड, इसलिए उसमें संशोधन जरूरी है जिससे आम जन को राहत मिल सके। लेकिन विपक्षी दल के कई नेताओं को विरोध कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, विपक्ष के लोग केवल वोट की दृष्टि से देखते हैं, सत्ता की दृष्टि से देखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी समाज के विकास के दृष्टि से देखती है। यही अंतर है, यही बुनियादी फर्क है।